हेलो फ्रेंड, आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में पिक्चर का जो हॉरिजॉन्टली साइज है वो ज़रूरत से भी ज़्यादा हो जाए तो कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप, यही आज इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए पहले टीवी ऑन करके देखते हैं क्या और कैसा प्रॉब्लम हुआ है टीवी में। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में हॉरिजॉन्टली साइज वो ज़्यादा हो गया। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को ठीक करने का बेस कुछ तरीका है, इसमें से मैं आसान तीन तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड, पहला जो तरीका है इसको टीवी सर्विस मोड करके कर सकते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो ईस्ट का जो हॉरिजॉन्टली आउटपुट कनेक्शन का जो कनेक्शन है उसको चेंज करके कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी जो मैं दो तरीका बताया है वो तरीका ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन इसके अलावा और एक आसान तरीका है वो मैं करूँगा। तो फ्रेंड, एक ऐसा प्रॉब्लम है इसके लिए तीनों तरीका ही करना पड़ता है कभी कभी, इसीलिए जब तक ना ठीक होता है इस प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस प्रॉब्लम के लिए हमें कितना तरीका ट्राई करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टली का जो एक कॉइल का कनेक्शन है, रेड वायर और ब्लू वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक कॉइल लगाना होगा। हॉरिजॉन्टली आउटपुट सेक्शन में जो कॉइल रहते हैं ऐसा ही एक कॉइल। तो फ्रेंड, ये दो कनेक्शन के बीच में कोई भी एक के साथ आप लगा सकते हैं। तो एक कॉयल हमें कहाँ से मिलेगा? तो फ्रेंड, हमें जो कॉयल अभी ज़रूरत है वो कॉयल आपको मिलेगा पुराना ओल्ड किट से हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन का जो कॉयल है यही है वो कॉयल, ब्लैक कलर। यही कॉयल हमें सर्किट से निकालना होगा इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो चलिए सर्किट से निकाल लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यही वो कॉयल जिसको मैंने सर्किट से निकाला। तो फ्रेंड, इसको लगाना होगा हॉरिजॉन्टली आउटपुट सेक्शन या कॉयल के साथ। तो चलिए इसको लगा के देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड, हमें इसको लगाना होगा या कॉयल का जो दो कनेक्शन है जो हॉरिजॉन्टल आउटपुट के लिए काम करता है वही कनेक्शन के साथ। यही है वो दो कनेक्शन हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन के लिए काम करता है यह कॉइल का दो कनेक्शन, रेड और ब्लू वायर का। यहाँ पर एक ऐसे सोल्डरिंग करें और रेड वायर को कॉइल का बीच में ऐसे सोल्डरिंग करें। तो फ्रेंड, इसको लगाने के बाद अब हमें टीवी ऑन करके देखना होगा क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं। तब देख सकते हैं ऐसे कनेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड, इसके बाद टीवी फिर से एक बार ऑन करके देखना होगा प्रॉब्लम ठीक हुआ क्या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रॉब्लम थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन पूरी तरह से प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है अभी तक। तो फ्रेंड, पूरी तरह से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है, तो इसके लिए फिर से और एक कॉइल लगा कर देखना होगा सेम यहाँ पर, इसके साथ ही लगाना होगा। तो दूसरा और एक कॉयल लगाते हैं। तो चलिए, तो आप देख सकते हैं सेम जैसा एक ही जैसा दो कॉयल है, इसको इस कॉयल के साथ फिर से लगाना होगा ऐसे, और एक कनेक्शन यहाँ पर ऐसे सोल्डरिंग करना होगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे कनेक्शन किया है मैंने इस कॉइल को। इस तरह आप कनेक्शन करना होगा ऐसे, और उसके बाद रेड वायर को यहाँ पर कनेक्शन सोल्डरिंग करना होगा ऐसे कॉइल के साथ, सेम ऐसे कनेक्शन करना होगा। और इसके बाद टीवी ऑन करके देखते हैं चलिए क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हैं टीवी का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।